हमारा नाम है अनिल कुमार सिंह और रउआ कहल गए कि रउआ जेकर मैया बुआ पकावे ओकरे बेटवा ललचे एगो देहात में हमनी के कहावत है रउआ और स्थिति है कि रउआ किसान सलाहकार सारा काम रउआ कर थे किसान सलाहकार हमनी सारा काम करी थी रउआ मनो शिक्षा जगत से लेकर के दंडाधिकारी से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर जितना रहुआ स्थिति अभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी है जितना रहुआ पर्व त्योहार में रहुआ स्थिति है तो सब काम रहुआ हमनी से ले जाए थे जे काम हमनी के न जी में भी है जेकर हम लोग प्रशिक्षण न जाने रहो कोरोना काल में हमनी स्टेशन पर या बस स्टैंड में हमनी कोरोना जांच के लिए जैसे के लिए तो कहे के मतलब है कि रहुआ हमनी के एकरा में कुछ न सरकार से एक गो मांगे कि 13 साल से जैसे हमनी के कहलन वैसे हमनी कैली लेकिन अब रहुआ करे की स्थिति में नहीं अब धीरज जो है से हमनी के टूट गई तो धीरज टूट गए तो कहे के मतलब है कि अब हमनी के भाई 15 वाला जन सेवक जो है सेतु बनावा और हमारा पूर्ण रूप समायोजन चाहिए ओकरा में रहुआ कोई इगी तुगी ना है कि एने ओने के बात मत करू रहुआ हमारा 15 से रहुआ जन सेवक के जो फाइल तैयार है ओकरा में हम और ओकरे पर हमारे बहाली भी होले रहुआ सारा काम पहले जो वो करते थे वही हम लोग कर रहे हैं अब उनके पास जन सेवक के भारी कमी के कारण रहुआ हमनी के सलाहकार के रहुआ बहाली हो तो सलाहकार के बहाली हो तो कृषि काम के करित करित रहुआ हमनी के और काम भी करवावल गए तो ठीक है रहुआ जे कहली से हमनी कहली लेकिन अब रहुआ खाली पेटे रहुआ अब हमनी एकरा से ज्यादा करे की स्थिति में नहीं अब हमनी के स्थिति ये है कि या तो काम दो या तो दाम दो और नहीं तो हम लोग को मुक्त करो हम लोग को हटा दो अब इससे कम पर हम लोग को कोई समझौता रहुआ करे के स्थिति में नहीं रहुआ जितना ही आयल हती रहुआ सब जन आक्रोश हती रहुआ कोई केकरो से बोलावल ना के लिए रहुआ कोई नेतागिरी ना है रहुआ सब जाए तो कोई कोई राज नेता 1500 भीड़ बोलावे खातिर बड़ी फास्ट ट्रक रहुआ भेजा थी लेकिन हमनी कोई के कुछ बोले ही नहीं सब अपने आप से रहुआ चल के आती है पेट ना भरे गई खाली पेटे आंदोलन रहुआ हुई गई तो रहुआ आप समझू की का स्थिति है रहुआ सब सरकार तक पहुँचाओ एकरा और हमनी के रहुआ कम से कम हमनी के कमी के रहुआ दूर करा यश के भागी बनब रहुओ सरकारो अब एकरा से जाए ये बताइए हमको की आप जब आपकी नियुक्ति की गई जी 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 आपके पास कार्य का कितना जिम्मा था कौन कौन सा जिम्मा था और अब जो आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है जी क्या इजाफा उस समय तो रहुआ ये बात बता देती कि रहुआ सरकार के पास जिम्मेदारी यही है कि सर हमनी के सलाहकार बना देला और हमनी को किसान को सलाहकार देना सलाह देना था आज स्थिति है कि हमनी के प्रखंड कृषि कार्यालय में भी कार्यालय खोल दिया सरकार और स्थिति है कि पंचायत में भी कृषि कार्यालय रहुआ खोल देला अब पर और स्थिति ये है नहीं है पहले हम लोग का बहाली होल है रहुआ कि अपना पंचायत में ही आपको सेवा देना है लेकिन अब स्थिति है कि रहुआ अपने पंचायत से रहुआ 30-40-50 किलोमीटर ये विस्तार कब हुआ ये विस्तार हुआ शुरू से कहने के लिए उनके पास वो शब्द था करवाने के लिए कुछ और शब्द था शुरू में ही जब बहाली हुआ तो जब एक प्रगतिशील किसान को एक पंचायत से बहाली होना चाहिए था तो एजुकेशन देखा कास्ट देखा सारा चीज देखने के बाद एक एक पंचायत से 4-4 सलाहकार की बहाली हुआ तो 4 जगह उनकी नियोजन होगा तो 4 जगह नियोजन होगा तो रहुआ बताओ एक पंचायत में रहुआ 14 को 15 को रेवेन्यू विलेज पड़े और ओकर रेसिडेंस अगर मानल जाए रहुआ तो रहुआ 15 से 16 किलोमीटर रहुआ पड़ जाए अब 16 किलोमीटर अपने के अप डाउन करे में रहुआ कितना 5,000-2,500 से रहुआ हमने के 5,000 पेमेंट हो 5 से रहुआ 6 हो 6 से 8 हो तो बताओ कि ई परिक्रमा से रहुआ हमने मरे तक के वर्तमान में क्या है वर्तमान में रहुआ 13 साल 13,000 14 साल 14,000 15 साल 15 तो जैसे जैसे प्रत्येक वर्ष नहीं 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 तो 2 साल कोरोना में ही हो खत्म है रहुआ 4 साल से वो भी खत्म है रहुआ बढ़ोतरी अब हम लोग को नहीं चाहिए जन सेवक में आपकी जो है आपका प्रमोशन होगा या जी जी आपको क्या क्या लाभ होगा अब सुनिए ना सर उसका जो सरकार में जो प्रायोजन है वो तो हमको मिलेगा पहले हमको जन सेवक बना हमारी जन सेवक में जिस दिन बहाली हो जाएगी वो प्रक्रिया जो होगा उन हमको मिलेगा उस प्रक्रिया के बारे में अभी हम लोग क्या बताएं सर 2010 में पूरे बिहार में
पंचायत स्तर पर जनसेवक कार्यरत थे उसके पूर्व, तो भारी कमी जब पंचायत स्तर पर जनसेवकों की हो गई, तो उसी पद पर किसान सलाहकारों को नियुक्त किया गया। और जो भी काम हम करते हैं विगत 13 वर्षों से, वो जनसेवक का ही कार्य हम करते हैं। कार्य स्वभाव नेचर के हिसाब से है जो जनसेवक का कार्य संपादित करते हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग का जो भी कृषि योजनाएं है उसका संपादन 13 वर्षों से लगातार किसान सलाहकार करता रहा है। इसके साथ ही जनसेवक संवर्ग नियमावली बना। भाई साहब बता रहे थे कि चूहा का परिक्रमा कर रहा है, उसका फाइल तैयार हुआ वित्त विभाग से, विधि विभाग से, सामान्य प्रशासन से पास हो गया, मात्र कैबिनेट कराने के लिए परिक्रमा कराया जा, टेबल परिक्रमा कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी क्या क्वालिटी है, हमारा जब चयन हुआ तो 7 सदस्यीय कमेटी बनाया गया जिला स्तर पर, जिसके अध्यक्ष डीएम साहब थे, जिसके सेक्रेटरी डीएओ महोदय थे। आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया, मिनिमम क्वालिटी क्वालिफिकेशन हमारा आईएससी था और साइंस, और उसके बाद आईएससी एजी, बीएससी एजी, एमएससी, पीएचडी हमारे यहाँ किसान सलाहकार है। 13 वर्षों से काम कर रहा है जनसेवक का, आज तक जनसेवक के पद पर समायोजन नहीं हुआ। 13 वर्ष से हम लोग को खटा रहा है, और प्रत्येक किसान को जो कृषि विभाग को जो भी योजना आता है सबको नाम खोलने में बहुत देर लगेगा। जो भी योजना आता है उसको किसानों तक ले जाने का काम किसान सलाहकार के द्वारा ही किया जाता है, यानी कृषि विभाग के अंतिम कड़ी का जो है से कि अंतिम कड़ी का कर्मचारी किसान सलाहकार ही है। लेकिन अनदेखी किसान सलाहकार के साथ सरकार कर रहा है। अनहरा गांव में कन्हा राजा टके से राजा टके से खाजा, काम हम लोगों से करवाया जाता है 12 घंटा, और यहाँ रजिस्टर में 70 शो किया जाता है 4 से 6 घंटा। हम लोग को कहा जाता है, जब मीटिंग में बात होती है तो कहा जाता है कि आपको 6 घंटा का ही हम 13,000 रुपया देते हैं, लेकिन काम करवाया जाता है 13 घंटा। किसान सलाहकार के बदौलत बिहार को 4-4 कृषि कर्मक पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जिसमें कृषि मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री ने भी जो है कि पहले किसानों सलाहकार के साथ में आश्वासन दे करके कहा जो हम मोबाइल खरीदने का, मोटरसाइकिल खरीदने का काम करेंगे। लेकिन ये सारा पैसा जो हम लोग को कमाई का पैसा था उसको इन्होंने 15 बांट करके अफसरशाही में इन्होंने लगा दिया, और हम लोग को कोई सहायता नहीं दे रहा है। बताइए हम लोग को 13,000 में क्या, अब हम लोग को लड़का बच्चा का दवाई चलेगा कि पढ़ाई चलेगा कि लिखाई चलेगा, क्या चलेगा? अब हम लोग विवश हो गए हैं, अब कोई उपाय नहीं है। काम की पूछिएगा तो चाहे इनका दूध का जो डेयरी का बढ़ रहा है, किसान सलाहकार का ही देन है, जो कृषि विभाग में कृषि से नहीं उत्पादन पूरा हो रहा है, तो उसको हम अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकार के योजना था कि कृषि किसानों को आय दुगुना किया जाए, इसको हम लोग मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और पशुपालन के बढ़ावा दे करके हम लोग सरकार किसानों के बीच में आगे का काम कर रहे हैं। डेयरी का आपने देखा होगा, जे यहाँ का ये मुख्यमंत्री जी कहे थे जे बिहार की व्यंजन देश के प्रत्येक थाली में रहनी चाहिए, वो थाली में हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब तक हम लोग को ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनवरत हम लोग आंदोलन पर रहेंगे, चाहे इसका परिणाम जो हम लोग को भुगतना होगा। हम लोग कृषि विभाग के अलावा बहुत सारे विभाग में काम करते हैं, और हम लोग का एक सूत्री मांग है किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करेंगे।
और हम लोग कोरोना में भी ड्यूटी किए हैं 2-2 साल। हम लोग हर विभाग के काम करते हैं, कृषि अलावा के बाद दिन रात हम लोग काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं। हम लोग डीएससी एग्रीकल्चर है, आईएससी एग्रीकल्चर है। हम लोगों को मात्र 13,000 रुपया ही मिलता है, जिसमें से 7-8 हजार रुपया पेट्रोल में खर्च हो जाता है। बच्चे को हम लोग क्या खिलाएंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में हम लोग अपने बच्चे को भेजते हैं खिचड़ी खाने वाला में। और हम लोगों का मांग है, सिर्फ एक ही मांग है, किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग एक मांग है, जनसेवक में समायोजन। हम लोग का 2010 में बहाली हुआ था, जनसेवक का भारी कमी को देखते हुए आज जनसेवक पूरे बिहार में नगण्य के बराबर है। और जनसेवक का जो भी बचे हुए लोग हैं वो हम लोग का बारिश मांग चुके हैं, हम लोग का भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनसेवक पहले एक पंचायत में एक हुआ करते थे, और हम लोग भी प्रत्येक पंचायत में एक किसान सलाहकार हैं। जो जनसेवक का कार्य था वो कार्य हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा कृषि विभाग के अलावा 36 तरह का काम हमसे लिया जा रहा है। जैसे अगला भाई आपको बताए कि परीक्षा हुआ, चाहे जो भी यह हुआ, सारा काम हम लोग से जो है से लिया जा रहा है। इसके बावजूद भी मात्र 13,000 रुपया दिया जा रहा है। बताइए कि 13,000 रुपया में महंगाई में क्या होगा? बाल बच्चा के फीस तो होगा, अपना पेट तो भरवे नहीं करेगा, बाल बच्चा के फीस कहाँ से लोग यह करेगा? आज देश का भविष्य जो है बच्चा ही है, और बच्चा का जब हम बढ़िया पढ़ाई लिखाई नहीं देंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? आज आज कृषि विभाग का, चाहे भारत सरकार का योजना हो, चाहे बिहार सरकार का योजना हो, सबका मॉनिटरिंग किसान सलाहकार ही करता है। आज जो आपको कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार सरकार को, आज किसान सलाहकार का ही देन है कि अपने पंचायत में किसान के बीच जाकर और नई तकनीक से खेती के बारे में किसान को जागरूक करना। आज उसी का वजह है कि बिहार सरकार को कर्मण पुरस्कार से भी नवाजा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार और कृषि विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि किसान सलाहकार को बहाल किया गया है। आप जन्म दिए हैं तो भरण पोषण कौन देगा, कहाँ जाएगा? 13 साल में कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता है। तो हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का जो कार्य है उस कार्य को देखते हुए जनसेवक में समायोजन किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। 13,000 के अलावा 1 रुपया भी किसान सलाहकार को नहीं दिया जाता है, जबकि मजिस्ट्रेट बनावल गया है, कोई भी आयोजन होता है, जैसे मेला का आयोजन हुआ, मैट्रिक परीक्षा हुआ, इंटर परीक्षा हुआ, बीए परीक्षा हुआ, आने जाने में भाड़ा लगता है, लेकिन 1 रुपया किसान सलाहकार को नहीं दिया जाता है। नहीं, हमने भारत सरकार को कभी डिमांड नहीं किया, इसलिए कि कर्मचारी हम बिहार सरकार का है, काम भले बिहार सरकार हमसे ले रही है, ये तो बिहार सरकार का दायित्व बनता है। हम डायरेक्ट कैसे मांग कर सकते हैं? इसलिए कि भारत सरकार का हम कर्मचारी नहीं है, हम बिहार सरकार का कर्मचारी है। ये तो सारे बड़े पदाधिकारी जान रहे हैं कि आज कृषि विभाग का कोई रीढ़ है तो किसान सलाहकार ही है। तो ये तो ऊपर तक आवाज को पहुंचाना बड़े पदाधिकारी का काम है, लेकिन बड़े पदाधिकारी भी एसी में बैठ करके वहाँ जो है से योजना को बनाएंगे, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है।